तो सर वेलकम टू 92.7 बिग एफएम, कैसे सर आप? सुपर। तो सर हमने जब ट्रेलर देखा था इस डॉक्यू ड्रामा सीरीज का, इट वाज रियली अमेजिंग। जब हम देख रहे थे कि कुछ तो अलग है इस डॉक्यू ड्रामा सीरीज में, इट्स वेरी वेल शॉट। तो एग्जैक्टली खार व्हाट इज अबाउट सर, आई लाइक टू आस्क यू सर। खार इज अबाउट द डांडी मूवमेंट, जो पूरा डांडी का जो कंसीव किया आइडिया गांधी जी ने, एक पर्सपेक्टिव में वो किया गया था, क्योंकि 1922 जो है बहुत ही जो पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जोर था वो कम हो गया था, और सब लोग गांधी की तरफ देख रहे थे कि अगला मूवमेंट वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज कांग्रेस में सबसे बड़े नेता तब तक गांधी बन चुके थे, और सब देख रहे थे कि वो क्या करना चाहते हैं। सबके अलग अलग आइडियाज थे, लेकिन किसी ने कुछ कॉन्क्रीट नहीं सोचा था। चौरा चौरी का जो इंसिडेंट होता है उसके बाद एक डल फेज जाता है, उसमें कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो 1929 में जब नेहरू जी ने टेक ओवर किया एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था, लेकिन उससे कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। तब उस टाइम गांधी जी ने कहा कि मैं ये सत्याग्रह करना चाहता हूँ, सॉल्ट मार्च करना चाहता हूँ, और उसमें काफी उनका ऑपोजिशन भी हुआ, क्योंकि सब लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे कि क्या ये सही मूवमेंट है कि नहीं। सॉल्ट इज सच अ स्मॉल थिंग, तो विल इट एक्चुअली बिकम समथिंग रियली बिग विच विल शेक द ब्रिटिश एम्पायर? तो ये सब स्पेकुलेशन चल रहा था, और उनका ऑपोजिशन भी हो रहा था। मोतीलाल जी ने बहुत अपोज किया, सरदार पटेल ने बहुत अपोज किया, लेकिन फिर जैसा होता था कांग्रेस में कि एट द एंड ऑफ इट वी यूज्ड टू ऑल लिसन टू व्हाट गांधी वांटेड टू से। सो इस पूरे बैकग्राउंड में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड इट वेंट ऑन टू बिकम ह्यूज। सो दैट इज व्हाट खार इज ऑल अबाउट, हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड, कैसे उनके सत्याग्रही उसमें जुड़े, और कैसे वो मूवमेंट इतना बड़ा बन गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल टुक नोटिस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया, and how the struggle needed to be taken to the next level. In fact, it became almost untenable for the British to continue their regime in India. So, ये docudrama series हम लोग actually पहली बार सुन रहे हैं. So, what? Why docudrama? Why docudrama? Is because I think दो चीजें होती हैं docudrama से. एक तो आप कुछ recreation कर सकते हैं जो important events होते हैं, और दूसरा ये कि आपको credibility मिलती है जब क्रेडिबल लोग उसके बारे में आके बताते हैं। तो इट्स अ इट्स एन इंटरनेशनल फॉर्मेट जो कि सब जगह यूज होता है, और उससे अच्छी बात ये होती है कि आप देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने कोई ऑथेंटिक चीज देखी। अगर आप पूरा फिक्शनलाइज करते हैं तो फिर इट्स लेफ्ट टू इंटरप्रिटेशन कि नहीं ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। इसमें भी हमने ड्रामेटाइज किया है, लेकिन कुछ चीजें की हैं, कुछ चीजें हमने एक्सपर्ट्स पे छोड़ दी हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, वो कैसे इसको देखते हैं। तो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, देर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, और इस तरह से आप एक ज्यादा मुझे लगता है होलसम चीज देख पाते हैं। So, अनु जी, आपने इस सीरीज में नरेशन दिया, आपकी कहानियां तो सुनने सबको पसंद आती है सर। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस ब्यूटीफुल टीम? देखिए, मेरा काम नरेशन का था, और मैं जिन हालात में इन लोगों ने मुझसे नरेशन करवाया, तो मेरे पास उसको स्टडी करने का वक्त नहीं था, सिवाय इसके कि मेरे पर्सनल लेवल के ऊपर जो भी मुझे जानकारी और मालूमात हासिल है गांधी के बारे में, कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश की इस जॉनर की अभी तक की जो सबसे बड़ी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है सरदार, जिसमें मैंने महात्मा गांधी का रोल किया था। लेकिन उस फिल्म को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है सबटाच कर दिया गया। गुजरात के लोगों ने इस फिल्म को बनाने की ठानी, और 1991 में जिस लेवल के ऊपर ये फिल्म बनी है, उस लेवल पर आज भी कोई फिल्म मेकर इमेजिन नहीं कर सकता है कि सरदार बना सके। आपको प्रेसिडेंट हाउस में शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिली, नालंदा स्वीट है प्रेसिडेंट हाउस में, जहां पे प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना का ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया गया था व्हेन दे विजिटेड इंडिया।
मैं उस नालंदा स्वीट में बैठ के गांधी का मेकअप करता था, समझा? पार्लियामेंट में आपको शूटिंग करने की इजाजत कोई नहीं देगा। गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इस फिल्म को जितनी सहायता मिली और जितना बैकअप मिला, लेकिन बाय द टाइम जब तक वो फिल्म बन के तैयार हुई, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और ऐसा लगा उस समय की जो चेंज जो रजीम था कि वो एक पर्टिकुलर एक पार्टी के खिलाफ जा रही है। सो कम बैक टू दिस प्रोजेक्ट, मुझे इतना मालूम है उस फिल्म को काम करते हुए जितना एक आम आदमी को मालूम, आम आदमी से थोड़ा ज्यादा मालूम है गांधी के बारे में, गांधी को पढ़ा है, गांधी को किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिस किसी ने भी ये कंसीव किया कि भाई मुझे ये खार नाम की एक गांधी के ऊपर एक सीरीज डॉक्यू ड्रामा जिसको कहते हैं वो बनानी है, वो काबिल तारीफ है। जहाँ छिजोरापंती हो रही है वहां पर उसके बीच में आप एक एक कंटेंट ड्रिवन एक काम करते हैं, तो जो भी कंटेंट ड्रिवन काम करेगा एक ऐसा काम जिसमें ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ है, तो वो तो अनु कपूर के प्रेज डिजर्व करेगा। इसलिए कि मैंने काम किया, मेरा तो कुछ कंट्रीब्यूशन है भी नहीं यार, मैं तो आप बुला लो तो मैं आपको आपको वो कर दूंगा कल के नहीं नहीं सुनो ना, आपने तो सनी लियोनी भी बनाई है ना, ठीक है ओके, प्रॉब्लम नहीं। सनी लियोनी का नाम आने से एक खास जोन में चले जाते हैं, ठीक है उसकी इमेज ऐसी है, लेकिन सनी लियोनी उस इमेज के अलावा भी तो किसी की बेटी होगी ना। मैं तो खैर ना टीवी देखता हूँ ना फिल्म देखता हूँ, लेकिन एक जनरली जो एक आम आदमी का इम्प्रेशन मिल सकता है जो बहुत ही बोरिंग है मेरे जैसा आदमी, मैं अपना प्रोग्राम नहीं सुनता हूँ यार, मैंने 5 साल हो गए आपके, मैंने एक शायद 23 मिनट शायद सुना था, तो इमीजिएटली अपने राजश्री या अर्पिता को फोन किया, मैंने कहा तुम क्या यार तुम 21 मिनट के ऐड चलाते हो, कहाँ जाएगा मेरे तो, मेरा तो लिसनर चला जा रहा है। तो इमीजिएटली तरुण कटियाल तक बात पहुंची, तो एक्सप्लेन करने लगे नहीं जी वो तो 21 मिनट का नहीं था, वो तो केवल 15 मिनट का था। अरे 15 मिनट में भी मेरा व्यूअर जा रहा है भाई, तो व्यूअर को समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो स्पॉन्सर्ड हैं ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, उनकी वजह से हमारा प्रोग्राम चलता है, तो फिर हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आपने ये प्रयत्न किया, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी गांधी एक महान आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है, और आम आदमी की नजरों में यह है कि गांधी के अथक परिश्रम की वजह से आपको आजादी मिली है, और उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, आप समझे ना। ध्यान रहे गांधी बहुत बड़े आदमी थे, बड़े आदमियों से बड़ी भूलें होती हैं, अपन छोटे आदमी हैं, छोटे आदमी से छोटी भूलें होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है, मैं भी अच्छा आदमी, ये भी अच्छे हैं, इनको भी मैं बहुत साल पहले से जानता हूँ, तुम तो उम्र में छोटे ही हो यार, बहुत बहुत 20 साल छोटे हो, 20 साल, 15 साल, हमेशा ध्यान रहे कि एक आदमी अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छे आदमी की कही हर बात समाज और देश और सोशल स्ट्रक्चर के मुतालिक सही हो, ये बात सही नहीं है। मैं अच्छा आदमी हूं, गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन जरूर नहीं है कि उनकी कही हर बात सामाजिक संदर्भ में बिल्कुल सही हो। सो इस तरह से एवेल्युएट कीजिएगा, गांधी के ऊपर जिन लोगों का प्रभाव है वो आपको इंटरनेट पे आपको पता पड़ जाएगा। जॉन रस्किन का बहुत प्रभाव है उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर। लियो टॉल्स्टॉय के दो स्पेशली जो है, द किंगडम लाइज विद इन माई हार्ट, और एक और उनका बहुत है द क्रिश्चियनिटी एंड द पेट्रियोटिज्म, इसका बहुत सारे प्रभाव है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर, लियो टॉल्स्टॉय के ऊपर या जॉन रस्किन के ऊपर, जाने अनजाने में सरजमीन हिंद जो भारत की भूमि के महावीर और बुद्ध का क्या प्रभाव है, ये अगली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि घूम फिर के आपको गोरों का क्या है, गोरों ने आपके ऊपर राज किया है, ठीक है, और गोरों ने क्योंकि विक्टोरियस रेस है इसलिए वो जहां जहां गया है अपने ठप्पे मारता चला गया है, इसलिए आप सब लोग जाने अनजाने में आप उनसे डरते हो, क्योंकि वही एक क्राइटेरिया बन गए, आपका ऑस्कर क्राइटेरिया बन गए। अब मैं अमेरिका जाता हूं, वहां पर सरदार पटेल की बात हो रही है, सरदार पटेल की एक किताब है
वो किसी ने बनाई है, वो मुझे बुला लिया, मेरे जैसे विद्रोही आदमी को, मेरे जैसे रिबेल को बुलाओगे और मेरे सामने बार बार कहोगे सरदार पटेल इसलिए ग्रेट था, सरदार पटेल इसलिए ग्रेट था कि टाइम्स मैगजीन ने हेड कवर पे उनके ऊपर लिखा है, टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर भी लिख के परेशान आ गया यार वो साथी डॉक्टर है विस्कॉन्सिन से क्या वो गला। तो जब मुझे बुलाया गया तो मेरे दोस्तों को मालूम था कि अभी गड़बड़ है। मैंने कहा देखिए सरदार पटेल या गांधी ग्रेट है इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन उनकी ग्रेटनेस के लिए अगर आप टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर का फ्रंट पेज का सहारा ले रहे हैं तो यह सहारा बिल्कुल गलत है। टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे 1936 का मैन ऑफ द ईयर आपको मालूम किसका नाम छपा था, उसका नाम था एडॉल्फ हिटलर। एडॉल्फ हिटलर को मैन ऑफ द ईयर किया गया था और आगे आने वाले हुए उसमें सरदार पटेल आ गए, उसमें गांधी आ गए। तो ये जो फ्रिवलस किस्म की जो मयार है, स्टैंडर्ड है, जो पैमाने हैं, उनसे आपको बचना है बहुत अच्छी तरह से। और जो आपके सामने पेश किया गया है, लोग अगेन मैं कह रहा हूं ये बड़ा रिस्की काम था। जहां सेक्स और वायलेंस चल रही है वहां नॉन वायलेंस के एक आदमी को दांडी मार्च। नमक क्या था? नमक इसलिए सैलरी सलाइन से वो वर्ड बना है। किसी टाइम पे आपको मालूम है लोगों को जो तनख्वाह मिला करती थी, जो सैलरी मिला करती थी वो नमक से मिला करती थी कि आप कंपनी के सीईओ हैं तो आपको 2 किलो नमक मिलेगा और हम गरीब हैं तो हमको पाव भर नमक मिलेगा। या सलाइन से सैलरी वर्ड आया है, गोल्ड की इतनी। और अगर आपने हमारे 92.7 बिग एफएम ने पानी बचाने का जल ही कल है योजना है, और अगर हमने पानी नहीं बचाया तो अगले टाइम के ऊपर हमारी जो पीआर है उषा मिराची उनकी तनख्वाह होगी कि 10 लीटर पानी यही सैलरी है आपकी। नहीं बस यही बोल रहा हूं हमको भविष्य के लिए बहुत वैज्ञानिक तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना है। गांधी की बात हो रही है, गांधी पूजनीय है। अगर गांधी के प्रति आपके मन में एक भाव है, आप उनको समझते नहीं है या उनकी बातों से अग्री नहीं करते, तो पूरे देश में गांधी की चर्चा होनी चाहिए, पूरे देश में चिंतन होना चाहिए। गांधी व्यक्ति थे कि अगर किसी को क्रिटिसाइज भी करते थे तो उनके क्रिटिसिज्म में, क्रिटिसिज्म अलग चीज है, अब्यूज बिल्कुल अलग चीज है। हमारे मुल्क के अभी अब्यूज हो रही है, क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। जो क्रिटिसिज्म हो वो गांधी से, अच्छी बातों से हम गांधी की जो प्रेरणा ले सकें वो लें, और जो गांधी की कोई बात पसंद नहीं है वो बहुत ही रैशनल ऑब्जेक्टिव लेवल के ऊपर जाके उसको डिस्कार्ड कर दें। आप समझे, गांधी का नोट, नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर है, कम से कम उस तस्वीर का अगर आदर करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गांधी की बहुत सारी बातें गलत भी थी, मैं अभी भी बोलता गांधी की बहुत सारी बातें गलत थी, लेकिन एक आदमी ने श्रम किया, नॉन वायलेंस के तौर पर एक नई चीज सामने लाया। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये भी है कि दुनिया आज जो मृत्यु के कगार पर पहुंची, आज हाइड्रोजन बम तो बहुत मामूली सी चीज हो गई यार। पहले साइंस ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के उसको भी डिसइंटीग्रेट करके अभी कहीं बात आगे बढ़ी, तो हम लोग मौत के कगार के ऊपर बैठे हुए हैं, चलती उसके ऊपर। तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी दुनिया में एक मूलभूत लेवल के ऊपर, कभी दुनिया में अगर शांति और पीस की बात अगर संभव हुई तो विश्वास मानना वो खुशबूदार हवा के झोंके भी, पीस के, शांति के, अमन के, चैन के, सुकून के, वो भी भारतवर्ष की भूमि से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गांधी पैदा हुए हैं, यहाँ महावीर पैदा हुए हैं, यहाँ कबीर पैदा हुए हैं और यहाँ पे बुद्ध पैदा हुए हैं। सर, संजय सर, आपने बेगम जान में भी नेहरू जी का कैरेक्टर नहीं बनाया था, तो इसमें भी आपने नेहरू जी का कैरेक्टर हुआ है, तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस और यू एक्चुअली रियली आप सूट करते हो उस कैरेक्टर पे। थैंक यू सो मच, इट्स माय फेस प्रॉब्लम। सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड सर, से काम करते मजा आया, एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट द दांडी मार्च, द थिंग्स सराउंडिंग, द टेंशन सराउंडिंग द दांडी मार्च, जो शायद मुझे पहले पता नहीं था, बट काम करते करते इस एपिसोड के जरिए आई गॉट टू नो दैट। सुपर सर, आपने भी इस कैरेक्टर में सरदार पटेल जी का कैरेक्टर निभाया है, तो सर कैन टेल मी समथिंग? बहुत गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सोहेल के साथ में काम करके बड़ा छूट दे दी थी भाई क्या करना है। आई डिड माय रिसर्च संविधान में, श्याम बाबू की फिल्म में मैंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली जी का रोल किया था, और इसमें सरदार का रोल करने का बहुत अच्छा लगा। उनका पढ़ा नहीं था मैंने उनके बारे में इतना जितना आप ठीक पढ़ के मेरे को समझ में आया, व्हाई ही वाज कॉल्ड एन आयरन मैन, काफी अच्छा था।
सुपर। तो आई गेस सर बाकी की बातें अंदर रेडियो स्टेशन स्टूडियो में होगी, तो इस सेलिब्रेशन को मनाते हैं केक कटिंग के साथ। जी सर, ये वर्ड खार जो है बेसिकली खार खाना एक जो कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे है। तो जो बेसिक थीम था वो ये था कि देयर वाज अ स्लाइट बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हेन गांधी जी वांटेड टू डू द सॉल्ट सत्याग्रह और जो बाकी कांग्रेस मैन थे उनका एक अलग ओपिनियन था इसके बारे में कि ये करना ज़रूरी है क्या क्या। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज, जैसे सरदार पटेल जो है लैंड रिफॉर्म्स पे मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, मोतीलाल जी किसी और चीज़ को उठाना चाहते। तो बेसिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जिसको लेकर के ये एक बेसिकली पेग है प्रोग्राम के लिए। बाकी तो जो है वो डांडी यात्रा के ऊपर सब है। तो जैसे टेलीविज़न में एक हुक चाहिए होता है तो ये उस तरह का हुक है। ऑब्वियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा सबके ओपिनियंस एक नहीं होते हैं, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं किसी भी चीज़ के। और वह कांग्रेस में उस टाइम जो उस तरह उस टाइप की उस टाइम की कांग्रेस थी उसमें ऑब्वियसली बड़े नेता थे, सबका अपना ओपिनियन था और वो लोग खुल के बात करते थे। अगर किसी को पसंद नहीं था तो वो लिखते थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि पंडित मोतीलाल जी ने 20 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी बापू को ये बताते हुए कि कैसे ही आपका जो मूवमेंट है ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने उसको किसी की चीज़ को ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उन्होंने उनका उनको सिर्फ एक छोटा तार भेजा ये कह के कि करके देखना मज़ा आएगा। और बाद में क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस वाले घूम फिर के वहीं आ जाते थे जहां बापू का ओपिनियन होता था, अपनी इच्छा सब लोग जाहिर करते थे, तो उन्होंने वो जब किया तो उनको करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुखालफत के बावजूद जो है वो कुछ नहीं किया, उन्होंने किया वही किया जो बापू चाहते थे और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो बेसिकली हम ये दर्शाना चाहते थे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे और होने भी चाहिए, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे। काफी आसान रहा है नरेशन आपके लिए पिक्चर देना? नहीं जी, मेरे लिए लाइफ में कभी भी कोई चीज़ आसान नहीं रही। हम तो स्ट्रगलर हैं, हम तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा हैंडसम वैंडसम होते तो थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, स्टारडम जल्दी मिल जाता, लेकिन ऐसा हमारी किस्मत नहीं है। आपने इनसे पूछा कि इसके टाइटल के बारे में, मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। और अगर तो इस टाइटल को खार कहा जाता है तो खार का मतलब होता है काटे, और खार कहा जाता है तो खार वर्ड को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। खार अपर जो डायलेक्ट के अंदर खुंदक को भी बोलते हैं, और खार खारा भी होता है, एल्कनाइन जो होता है ना खारा, तो नमक खारा होता है। तो इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए कि जिसने भी रखा है खार वो इन्होंने क्लियर कर दिया कि खार बोले कि खार बोले। अब मेरे जैसा आदमी तो कहेगा कि भाई खार बोले कि खार बोले, दोनों के अलग अलग मतलब भी निकल सकते हैं। वैसे हम हमारे यहाँ क्योंकि भाषा के लेवल पर जब बात करते हैं तो अशुद्ध बहुत बोलने लगे, भाषा इंग्लिश आ गई है, ठीक है ना। तो चाणक्य हमारी भाषा का वर्ड है लेकिन चाणक्या बोलते हैं, है ना, राम को रामा बोलते हैं, आप लोग योग को योगा बोल देते हैं। तो आप ये गड़बड़ है बात। तो खार अगर बोलेंगे तो मतलब कुछ और हो जाएगा, खार बोलेंगे तो अलग मतलब हो जाएगा। वो तो आप बनाने वालों से पूछिएगा, मुझसे तो पूछो क्या। मैंने अपना काम कर दिया, मैं काम करने के पैसे लेता हूँ, बात खत्म। सर आपने भी अवार्ड बना जी का एक वेब सीरीज किया था, तो क्या कहना चाहेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होता है वो काफी मतलब पॉपुलर भी हो रहा है लेकिन लिमिटेशंस नहीं है उस पे कुछ, क्योंकि कोई सेंसरशिप नहीं होता, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो एक बात सुनो, इत्तेफाक से ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने दो डिफरेंट चैनल के लिए जो काम किया वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। डिजिटल के ऊपर तो आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, सेक्स है, वायलेंस है, वही डिजिटल है, प्राइवेट व्यूइंग है ना, मैं यहाँ पे बैठ के देख लेता हूँ। सो मैं रिपीट ये इसी बात को करूँगा कि वो ऑल्ट बालाजी ने होम नाम की सीरीज बनाई कि Z5 ने खार या खार नाम से, ये बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रेंड है और ये बड़े ट्रमेंडस गट्स की बात है। ये गट्स चाहिए ऐसी चीज़ को करने के लिए, जहाँ आप चुम्मा चुम्मी के उसमें दौर में लगे हुए हैं कि कहाँ पे कोस कट कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे कहाँ हाथ डाल, वहाँ के बीच में आप एक बहुत सीरियस कंटेंट लेके आते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट रेलेवेंट बात आप करने लगते हैं। तो ऐसे आदमियों को मैं कहता हूँ बहुत गट्स है, उनके ट्रेमेंडस गट्स है, बहुत बहादुरी का काम है। लेकिन
तो इससे भी जो व्यूअर्स होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं, इसमें क्या कहना? देखो भाई, अब डिपेंड करता है कि कबीरा या संसार में भांति भांति के लोग जी। तो जरूरी ये भी, अब इन लोगों ने देखो, जिन लोगों ने दस दस पाँच पाँच सौ हजार हजार करोड़ रुपए डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाए हैं, वो चाहे जी एसएल विजन हो के बालाजी हो के मुकेश अंबानी हो के जो भी इसमें गेम में, उन वो बहुत चतुर चालाक चौकस चमत्कारी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां उन्होंने सर्वे करवाया है और सर्वे की रिपोर्ट ये आई है कि सिर्फ बाबू सिर्फ अश्लील काम या जिसे ओपन काम कहते हैं कि नग्नता ही नहीं चलती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और भी कुछ चलता है। अगर सिर्फ नग्नता चलती होती तो पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ कुछ और भी इंडस्ट्रीज बड़ी हैं जहां पे ढंग की बात होती है। मतलब ऐसा नहीं कहता कि पॉर्न गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहता पॉर्न गलत है, मैं कह रहा हूं पॉर्न के अलावा भी कुछ सक्सेसफुल इंडस्ट्री हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, ये सर्वे की रिपोर्ट है। तो इन लोगों ने ये जो डिसाइड किया है कि खार जैसी सीरियल बना रहे हैं, एक दो और आपने कुछ इस तरह, वो बहुत ही गट्स की बात है और बहुत इस तरह के प्रयास होने चाहिए और आपका सहयोग मिलना चाहिए। जैसे आप पोर्न इंडस्ट्री जैसे ही आती है ना, जिस जरा सी कोई बात नंगा नुंगी की बात करते, कपड़े खोलते तो आप सारे भवाक लार टपका के आगे बढ़ जाते हैं ना, ठीक है भाई, सेक्सुअली हम सभी ऑब्सेस्ड और सप्रेस्ड लोग हैं। उसी तरह से जब कोई सिग्निफिकेंट सामाजिक संदर्भ में अच्छाई के लिए कोई बात, एक नई बात कही गई, तो उसका भी सपोर्ट, उसको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। एक चीज़ और भी है कि ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर जो हैं इस तरह की चीज़ों से अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, अगर आप देखेंगे कोई बड़ा ब्रांड इसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनकी इमेज ऐसी हो जाए दैट दे आर सपोर्टिंग एनीथिंग व्हिच हैज टू मच ऑफ न्यूडिटी और वायलेंस ऑफ दैट काइंड। सो इवन स्पॉन्सर्स हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ सेल्फ सेंसरशिप सो टू से, और वो जानते हैं कि हमको कितना करना है कितना नहीं करना है। देखिए अभी एक नया मीडियम आया है तो उसमें कुछ चीज़ें उसकी एक्सप्लोर होती हैं, ट्रायल हो रही हैं, तो जैसे जब फिल्मों में गालियाँ आईं तो लोगों को बड़ी हंसी आती थी, जबकि हमारे समाज में हम लोग हर वक्त गाली देते रहते, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी कि जो पहली बार सुन रहे थे, लेकिन फिर भी लोग हंसते थे स्क्रीन पे देख करके, लेकिन अपने आप वो चीज़ें डाई डाउन हो जाती हैं। तो मुझे भी लगता है कि जहाँ ज़रूरत है सेक्स या किसी चीज़ की न्यूडिटी दिखाने की, आप दिखाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही चलेगा, आफ्टर अ पॉइंट इट विल डाई डाउन बिकॉज दिस इज जस्ट अ फैड, एट द एंड ऑफ इट यू वॉन्ट अ गुड स्टोरी, अगर स्टोरी नहीं है तो आप कितनी देर देखेंगे भाई उसको, 5 मिनट 10 मिनट उससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे, बट पीपल वॉन्ट टू बी एंगेज इन गुड स्टोरीज, गुड कैरेक्टर्स, एट द एंड ऑफ इट दैट विल वर्क। और ये जो आपने बनाया है कि हल्का सा थोड़ा ड्रामा है और ओरिजिनल फुटेज है और जो नरेशन के जरिए जो एनेक्डॉट्स दिए गए हैं, जो हिस्टोरिकल जो करेक्ट ऑथेंटिक चीज़ है, वो लोगों को मेरे जैसा आदमी देखना चाहेगा, ये आप समझे ना। फिक्शन के अंदर ये है कि पता नहीं यार क्या है, लेकिन जब आप हिस्टोरिकल उसमें जाते हैं तो मुझे लगता है आपके चैनल को, आप चैनल को इस तरह की चीज़ों जब आपके पास लोग प्रोजेक्ट लेके आए तो मुझे लगता है आपको एनकरेज करना चाहिए, मैं भी आपके पास आने वाला हूँ प्रोजेक्ट लेके। नहीं, मेरे पास नहीं, जी के पास जाने वाला हूँ। हाँ, जी फाइव के पास जाने वाला हूँ। नहीं, आई हैव टू कांग्रेचुलेट जी फाइव बिकॉज इट्स अ न्यू अटेम्प्ट एंड अ वेरी ब्रेव वन, आई थिंक इट्स टर्न्ड आउट रियली वेल। आप दोनों से जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार है आप दोनों का और क्या आसान रहा है काम का, मतलब पूरा जो एक्सपीरियंस है आपका। देखिए एज अ जितना मैंने अभी पढ़ा है रिसर्च में, सरदार जी was against all this initially, वो नेहरू को भी कहते हैं भाई क्यों कर रहे हैं ऐसे, बट अल्टीमेटली ही बिकेम द पार्ट ऑफ दांडी मार्च। आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में गांधी जी ने जो जो सोचा नहीं था वो गाँव में गए हैं, उसके बारे में प्रचार किया है, एंड बिफोर द दांडी मार्च एक दिन पहले उन्हें अरेस्ट किया गया था, तो उनको क्या ब्रिटिशर को भी ये लग रहा था कि इनकी स्ट्रांग होल्ड है लोगों में, काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है कि तो ये शायद कुछ गलत काम हो सकता है हमारे अगेंस्ट, इसलिए उनको भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन ही मेड द मूवमेंट वेरी एज पर द रिसर्च व्हाट आई हैव रेड कि गांधी जी के लिए बहुत आसान कर दिया था कि उनको सब पता था कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ मार्च लेके जाना है। उस हिसाब से एज अ एक्सपीरियंस फॉर एन एक्टर अलग काइंड का किरदार मुझे करने मिला, बहुत अच्छा लगा। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई डोंट नो अभी आप व्यूअर्स हैं आपको ज़्यादा पता होगा कि ठीक किया कि नहीं किया सर आप। नेहरू जी तो आई थिंक ही वॉज अ मतलब
चारों तरफ से दबे हुए थे। पिताजी मोतीलाल जी अगेंस्ट थे, सरदार जी, मौलाना जी सब अगेंस्ट थे। एक तरफ गांधी जी हैं, उनको तो बस वो अपने जिद पे अड़े हुए थे कि उसको तो दांडी मार्च करना ही है। सो इट वॉज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन फॉर नेहरू जी टू वॉक ऑन, पर किसी तरह डिप्लोमेटिकली उन्होंने भी सब कुछ संभाल के और सबके सपोर्ट से ही ऑल्सो वेंट अहेड विद गांधी जी। एंड द आइडिया वॉज वेरी गुड, दांडी मार्च द आइडिया वॉज एक्सेलेंट। And that was not the, that is not the only incident where Patel went against Gandhi. At the last tale of the partition, 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ये गांधी जी का decision पटेल के absence में किया गया है। Otherwise पटेल के ऊपर गांधी बहुत dependent थे, और पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी बात गांधी सुनते थे और गांधी मानते थे। बाकी फ्रेंकली स्पीकिंग ड्यू रिस्पेक्ट, बाकी तो सब कैरेक्टर जूनियर आर्टिस्ट थे। ये आप समझो आप। सर मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने सरदार फिल्म भी देखी रिसर्च के दौरान। आपने सरदार को क्या लिख के दिया उस नोट में जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब बनना चाह रहे थे वो? विड्रॉ। अच्छा, वो क्योंकि वो मिस्ट्री थी मेरे लिए भी और नहीं, वो डेफिनेटली वो विड्रॉ क्या लिखा था? बड़ा बड़ा आपको अज्यूम, वो देखिए सरदार पटेल के ऊपर बहुत, मेरे हिसाब से बहुत अत्याचार किया गया, बहुत मोह में फंस गए गांधी जी। आज सुनना चाहते तो सुनो आप, मोह में फंस गए। एक पिता है, उसके दो बेटे हैं, एक बेटा बहुत बोलता है। हाँ बच्चे, बेटा सुनाओ शायरी सुना देता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बेटा डांस भी करके बता दो, वो डांस भी हा कर दिया है। हैं, एक बेटा है जो चुपचाप है, क्वाइट है, उसको आप कहते बेटा जा गेस्ट को देख ले बेटा का, और वो चुपचाप जाता है, गेस्ट को खाना सर्व कर देता है, सब कर देता है। दोनों बेटे प्यारे हैं, लेकिन जब बाहर के मेहमान आते हैं तो इस बेटे को आगे करते हैं। वो एग्जैक्टली वो सीन है जब मणि बहन कहती है कि बापू चलो देर हो रही है, तो सरदार पटेल कहते हैं क्यों मुझे जल्दी करने का बोल रही है, वहाँ मेरे लिए कोई इटालियन फोटोग्राफर थोड़े शूट करने को बैठा है, वो तो जवाहर के लिए बैठे हैं, मेरे लिए थोड़े बैठे हैं। सो गांधी जी को थोड़ा मोह माया में, मोह माया तो नहीं, मोह में फंस जाते हैं, दो बेटे हैं फंस गए उसके अंदर। लेकिन हम सरदार पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम भूल नहीं सकते, और मॉडर्न इंडिया के लोग आज रियलाइज कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन कुछ और होती जहां वजीर आजम सरदार पटेल होते तो भारत का भविष्य कुछ और होता। और हर मोमेंट के ऊपर 55 करोड़ का मसला हो या यूएनओ की सहमति से कश्मीर की समस्या का समाधान होगा, इसके लिए कितना एडमेंट थे सरदार पटेल। वो कहते थे जवाहर पछताएगा, लेकिन भावनाओं के अंदर, नेहरू जी बहुत इमोशनल आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है, वो बह के ये डिसीजन ले लिया। तो तवारीख को जब हम देखेंगे, इतिहास की जब हम विवेचना करने बैठेंगे, तो हमें पाएंगे कि हो सकता है उन्होंने, बड़े लोग थे बड़ी गलतियाँ हुई, हम तो छोटे लोग हैं हमसे छोटी गलती होती है। हम तो एक एक गलती कर देते, ये आदमी अपना बच्चा बैठा हुआ एडिट कर देता है, लेकिन उनसे जो गलतियाँ वो एडिट नहीं की जा सकती। नहीं जी, मैं तो इस तरह के विवादों में पढ़ता नहीं, लेकिन आप पूछिए मैं जवाब दूंगा। क्या कहना चाहेंगे जो इलिगेंट, जो दो चीजें सुन लो आप, एक स्त्री की मर्यादा के ऊपर हाथ रखा गया, स्त्री का निरादर किया गया, स्त्री की तौहीन की गई, और अगर ये सिद्ध होता है और ये बात सच्ची है तो जिसने किया है उसको उस अपराध का दंड मिलना चाहिए, ठीक है। वो नाना पाटेकर हो या अन्नू कपूर हो या सोहेल ततारी हो या नरेंद्र मोदी हो, स्त्री का अपमान, स्त्री की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु आप प्रूफ लाइए और जिसको दंड देना है वो दंड दीजिए। बगैर प्रूफ के आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर सिर्फ लांछन लगाती हैं तो लांछन लगाने के साथ साथ इतने सारे प्रश्न सामने आ गए हैं
उसका जवाब दे दीजिए। जवाब ये पूछा जा रहा है। आज आज हमारे महाराष्ट्र के उप जो गृह मंत्री, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए ना, आप मीडिया के सामने क्यों ट्रायल कर रही है भाई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं आपके इंटेंशंस के ऊपर मुझे शक होने लगता है। भैया मेरे को गड़बड़ है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा लोकतंत्र है, मेरा पुलिस है, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँगा ना। लेकिन आप पुलिस स्टेशन में नहीं जा रही हैं। वो गृह मंत्री जी ने बहुत मास्कर, क्या नाम है अपने गृह मंत्री, बहुत अच्छी बात की, लॉजिक की बात करो। हम किसी के ना फेवर में हैं ना किसी के अगेंस्ट हैं, हम तो सत्य के साथ है जी। आप प्रूव कर दीजिए, हो जाएगा काम हमारा। आज तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय आदरणीय गोगोई साहब हमारे चीफ जस्टिस, उससे पहले न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी है। अरे यार हमारा न्यायालय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारा हिंदुस्तान। ठीक है हमारी कुछ 10 कमियां हो सकती हैं यार, उन कमियों को दूर करेंगे हम। लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर ऐसी भी आवाजें हैं, भारतवर्ष की भूमि पर रह के भारत हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान गंदा देश है, मुर्दाबाद के नारे वहां जेएनयू के अंदर लगते हैं। उससे बड़ा प्रजातंत्र आपको क्या चाहिए यार, उससे बड़ा और जमहूरियत आपको, डेमोक्रेसी क्या चाहिए। नेहरू से भी एक बार, जब नेहरू जी बात करते थे गरीबी की हटाएंगे, आजादी आएगी, अपना राज होगा, बहुत फेमस किस्सा है। एक बुढ़िया नेहरू जी के पास आई और बुढ़िया ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया नेहरू को, ये क्या है, ये कौन सा अपना राज्य, गोरे चले गए, अब हमारे को सुनता नहीं है, हमारी गरीबी कट जाएगी, कौन सा स्वराज आया है, क्या प्रजातंत्र की बात कर रहा है। तो नेहरू जी ने कहा माई इससे बड़ा प्रजातंत्र और क्या हो सकता है कि तू भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को सबके सामने गाली दे रही हो, मैं सुन रहा हूं, इससे बड़ा प्रजातंत्र क्या हो सकता है, बहुत अच्छा देश है यार हमारा। ठीक है इतने बड़े देश के अंदर इतनी समस्याओं के साथ जूझना, जहां कितनी तरह के धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, भाषा है, अंचल है, किसी के नाम पर एक नहीं हो पा रहे, तो भारत माता के नाम पर एक हो जाओ यार, तिरंगे के नाम पर एक हो जाओ। आप तिरंगा का अपमान करते हो, पीट रहा उन लोगों को जो तिरंगे का राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं, जो स्त्री की स्मिता से खेलते हैं। अगर प्रूफ हो जाए तो अंदर कर दो, फांसी चढ़ा दो, अब तो फांसी आ गई है ना, सीधा क्लियर बात है यार। लेकिन मुझसे ये सुनवाना कि तनुश्री दत्ता गलत है कि नाना पाटेकर गलत है, बगैर सत्य को जाने हुए किसी को भी ना तो मैं गलत बोलूंगा ना सही बोलूंगा, क्लियर है। सर हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई आपने। यस हमारा एक और कलीग था, जूनियर था, उसका करियर बर्बाद हो गया सर। उस लड़की ने जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, उसका रेप का वो पूरा मेडिकल टेस्ट हुआ, उस बेचारे का करियर बर्बाद हो गया शायद नहीं अनुजय का, उसने फौरन रिपोर्ट लिखवाई। आप 10 साल के बाद तो फिर प्रश्न उठने खड़े होते हैं। नाना पाटेकर के भी सपोर्ट में कुछ लोग, अरे मैंने नाना पाटेकर के साथ काम किया, बल्कि मेरी लाइफ की जो पहली फिल्म मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की उसका मेन हीरो तो नाना पाटेकर था। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ उस टाइम के ऊपर नाना पाटेकर 65 लाख रुपए लेता था, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट देखने के बाद, फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद नाना पाटेकर ने मेरी फिल्म 21,000 रुपए में की थी। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं, वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो प्रश्न उठ रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं तनुश्री के साथ नहीं हूं, नहीं, मैं हर उस स्त्री के साथ हूं जिसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो तनुश्री हो कि राखी सावंत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah, visual. Visual. Okay. 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 Okay.